बड़ी खबर हापुड़ से। इस बीच आपको बता दें कि मीट व्यापारी के घर पर आईटी की ताबड़तोड़ छापेमारी, 20 से ज्यादा आईटी अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि शिवपुरी कॉलोनी में मीट व्यापारी का घर है, जहां 20 से ज्यादा आईटी अधिकारी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। तो अचानक हुई आईटी की रेड से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि मीट व्यापारी के कानपुर और उन्नाव में भी कई फैक्ट्री है। कंपनी पर 50 करोड़ की हेराफेरी के आरोप लगे हैं। हापुड़ कानपुर में 60 से ज्यादा अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। सचिन वर्मा और कमल वर्मा कंपनी के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड के नाम से कानपुर में ये कंपनी संचालित है। तो तस्वीरें इस बीच आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि आईटी के जो अधिकारी हैं वो छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, और इस कार्रवाई के बाद से लगातार व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे इस बीच रुख करेंगे हमारे संवाददाता दानिश का। दानिश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दानिश, फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? बताना चाहूंगा अंजलि जी आपको, ये पूरा मामला सुबह लगभग 10 बजे आयकर विभाग की टीम गाजियाबाद से हापुड़ पहुंची, जिसने कमल वर्मा के यहाँ छापा मारा। कमल वर्मा मीट के काफी बड़े व्यापारी माने जाते हैं। इनका उन्नाव, कानपुर और हापुड़ के कई आसपास के क्षेत्रों में मीट फैक्ट्री व मुर्गी दाने का काम है, जिसमें ये पिछले काफी समय से शिकायत के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल अभी कोई अधिक जानकारी नहीं बता पा रही है टीम कार्रवाई। आयकर विभाग के अधिकारी पूरे मामले पर अभी अंदर दानिश, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? 60 से ज्यादा अधिकारी हैं और इस छापेमारी की जो कार्रवाई है इसको अंजाम देने के बाद से जो व्यापारी हैं उनमें भी हड़कंप की स्थिति है। बताना चाहूंगा अंजलि, यहाँ पर जब सुबह टीम पहुंची तो आसपास के काफी लोग भारी संख्या में लोग बाहर सड़कों पर आ गए, जिससे एक तरफ दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं अधिकारियों से जानने के लिए भी लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी उन्हें कुछ नहीं बता पा रहे हैं, जिससे आसपास पुलिस उन्हें हटाने में लगी हुई है भारी भीड़ को। फिलहाल अभी छापामार कार्रवाई जारी है। बिल्कुल दानिश, लगातार मामले पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे इस बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से। संघ की नाराजगी से सरकार और संगठन में खलबली है। आपको बता दें कि आनंद फानंद में बीजेपी कार्यालय में हाई लेवल मीटिंग हुई है। तो बीजेपी कार्यालय में तकरीबन 4 घंटे से ये बैठक चल रही थी। बैठक चली और इसमें कई अहम मुद्दों को लेकर मंथन किया गया है। तो बैठक में शिक्षा विभाग के मामले पर को चर्चा हुई है। इस मामले पर गहनता के साथ विचार विमर्श किया गया है। इसके अलावा संघ ने स्वेटर प्रकरण पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी। तो कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर ये हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी हाई कमान ने बैठक में शिक्षा मंत्री को भी बुलाया था। तो बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे मौजूद रहे। इसके अलावा संगठन मंत्री सुनील बंसल, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी इस बैठक में थे। कल मैराथन संगठन के जो बैठक हुई थी उसको लेकर नाराजगी जाहिर की गई। संघ की बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर नाराजगी जाहिर हुई, जिसके बाद ये हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई। तो योगी सरकार के कामकाज के रवैये को लेकर चिंता जाहिर की गई, नाराजगी जाहिर की गई। खासतौर पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के मुद्दों को लेकर भी नाराज नजर आया था संघ। और इसी मामले को लेकर बीजेपी दिग्गजों का जो महामंथन है वो चला है। आपको बता दें कि इस महामंथन में कई और अहम मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे शुरू करेंगे हमारे संवाददाता अविनाश का। अविनाश, क्या कुछ इस हाई कमीशन हाई लेवल की बैठक में हुआ है और फिलहाल क्या कुछ स्थिति इस मामले के बाद? देखिए अंजलि, कल जो संघ की बैठक हुई थी मुख्यमंत्री आवास पर, उसमें कहा जा रहा है कि कई मुद्दों को लेकर संघ ने और इस बीच आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस भेजा गया है। केंद्रीय विद्यालय में हिंदी में प्रार्थना पत्र का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय विद्यालयों से जवाब मांगा है और केंद्रीय विद्यालय में होने वाली प्रार्थना को लेकर ये नोटिस दिया गया है। आपको बता दें कि याचिका में ऐसी प्रार्थना हिंदुत्व को बढ़ावा देती है, इन तमाम चीजों को रखा गया और इन स्कूलों को सरकार द्वारा नहीं चलाना चाहिए। ये बड़ा गंभीर संवैधानिक मुद्दा है, इस पर विचार किया जाए, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो केंद्रीय विद्यालय में होने वाली प्रार्थना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय में
होने वाली प्रार्थना को लेकर नोटिस दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि ऐसी प्रार्थनाएं हिंदुत्व को बढ़ावा देती। इसके अलावा आपको बता दें कि इस मसले को लेकर जवाब मांगा गया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के जो मसले हैं स्कूलों में सरकार को दरअसल नहीं चलाना चाहिए, बहुत ही गंभीर और संवैधानिक मुद्दा है। इस पर बेहद ही संवैधानिक तरीके से विचार विमर्श हो, बेहद ही गंभीर मुद्दा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पूरे मसले को लेकर नोटिस भेजा। आगे बढ़ेंगे, खबर लखनऊ से है। प्रदेश की पहली दुग्ध नीति 2018 तैयार हो चुकी है। योगी सरकार ने यह नीति तैयार की है। आपको बता दें कि प्रदेश की पहली दुग्ध नीति तैयार की है, तो दुग्ध नीति पर जल्द योगी कैबिनेट की मुहर लगने वाली है। 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इसके अलावा हर व्यक्ति को रोज 600 ग्राम दूध मुहैया कराने की योजना है। तो दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर जोर देगी योगी सरकार और ये नीति बनकर तैयार है। 10 पशुओं की खरीद को प्रोत्साहित करेगी सरकार। तो पशुशाला निर्माण में दुग्ध नीति के दायरे में आएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि हर व्यक्ति को 600 ग्राम दूध मुहैया कराया जाएगा। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर योगी सरकार जोर देगी। इसके अलावा 10 पशुओं की खरीद को प्रोत्साहित करेगी सरकार। आपको बता दें कि पशुशाला निर्माण में दुग्ध नीति के दायरे में लाने की बात की गई है। दुग्ध नीति के दायरे में पशुशालाएं आएंगी, जिससे हर व्यक्ति को 600 ग्राम दूध मुहैया कराया जा सकता। तो योगी सरकार ने तैयार कर ली है पहली दुग्ध नीति। आपको बता दें कि पहली दुग्ध नीति 2018 तैयार हो चुकी है और जल्द ही कैबिनेट इस पर मुहर लगा सकती है। तो क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी दुग्ध प्रसंस्करण से संबंधित उद्योगों के सत्यापन के लिए? अनुदान डीपीआर पर आने वाले खर्च का 50%, अधिकतम 5 लाख लाभार्थी अनुदान। इसके अलावा दुग्ध प्रसंस्करण आधारित इकाइयों की स्थापना और विस्तारीकरण के लिए अनुदान, अधिकतम 50 लाख की सीमा तक मिलेगा अनुदान। उद्यमी के पास निजी स्रोत की रकम उपलब्ध होने पर ऋण की अनिवार्यता नहीं होगी। प्लांट मशीनरी स्पेयर पार्ट्स के लिए ऋण पर 7% ब्याज तक, ऋण की अधिकतम 5 वर्ष तक प्रतिपूर्ति की जाएगी। उत्पादन के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए मदद मिलेगी। अन्य देशों में उत्पाद का नमूना भेजने पर 50% खर्च सरकार देगी। इसके अलावा अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए और प्रति इकाई एक देश एक नमूना एक समिति होगी। उत्पाद को एयरपोर्ट या फिर बंदरगाह तक पहुंचाने पर होने वाले वास्तविक खर्च का 25% सरकार वहन करेगी। इसके अलावा अधिकतम 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष 3 वर्ष तक अनुदान दिया जाएगा। उत्पाद के पेटेंट डिजाइन के पंजीकरण के लिए अधिकतम 1.5 लाख का यानी 1.5 लाख का अनुदान होगा। और खबर इस बीच दिल्ली से है, जहां जेएनयू का एक और छात्र लापता हुआ है। आपको बता दें कि छात्र मुकुल जैन पिछले 2 दिनों से लापता है। छात्र का किसी लड़की से अफेयर था, ब्रेकअप के बाद से छात्र लापता बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मुकुल जैन गाजियाबाद का रहने वाला है। पुलिस लगातार मामले की छानबीन कर रही है, लापता छात्र को तलाशा जा रहा है। तो जेएनयू में बायोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था छात्र। आखिरी बार 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी में छात्र दिखाई दिया था। मुकुल अपना वॉलेट और मोबाइल भी छोड़कर गया है। जेएनयू में किसी छात्र के लापता होने की ये दूसरी घटना है। आपको बता दें कि इससे पहले 15 अक्टूबर 2016 को एक छात्र लापता हुआ था, जिसके बाद ये दूसरा मामला सामने आया। और इस बीच खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे ने सुसाइड किया है। बता दें कि हॉस्टल के बंद कमरे में छात्र का शव मिला है। छात्र की मां यूपी पुलिस में निरीक्षक के पद पर तैनात है। तो निजी कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था छात्र। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है, मामले की छानबीन कर रही है। थाना कासना क्षेत्र के Alpha 1 की ये घटना है, जहां छात्र ने सुसाइड कर लिया है। निजी कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई छात्र कर रहा था, हॉस्टल के बंद कमरे में छात्र का शव मिला है। हालांकि पुलिस उस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इस मामले में सीबीआई के खतरा किए जा रहे हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। थाना कासना क्षेत्र के Alpha 1 की ये घटना बताई जा रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि मनान वानी के हर कनेक्शन की जांच कर रही है सुरक्षा एजेंसियां। जी हां, सुरक्षा एजेंसियां मनान के लोकल कनेक्शन की तलाश कर रही है। मनान की कॉल डिटेल भी निकाली जा रही है। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू को जांच पर रख रही है।
एटीएस के साथ सर्वेलांस की टीम भी पड़ताल में जुटी हुई है। मनान जिन लोगों के टच में था उनसे भी पूछताछ की जानी है। मनान वानी के आतंकी बनने की पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें कि हिजबुल ने बयान जारी कर आतंकी बनने की पुष्टि कर दी है। तो सैयद सलाउद्दीन ने पाकिस्तान से ये बयान जारी किया है, जिसके बाद पुलिस लगातार इस मामले को लेकर छानबीन कर रही है और इसके अलावा जो कॉल डिटेल्स हैं उन्हें खंगाला जा रहा है। एटीएस के साथ सर्विलांस टीम भी पड़ताल में जुटी हुई है। तो एएमयू में अप्लाइड जियोलॉजी का स्टूडेंट बताया जा रहा है मनान। मनान पीएचडी का स्टूडेंट है, जिसके बाद से लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश इस बीच की जा रही है। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि हिजबुल ने बयान जारी कर मनान के आतंकी बनने की भी पुष्टि कर दी है। और इस बीच खबर सोनभद्र से है, जहां शराबी कलयुगी बेटे ने मां की जान ले ली है। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर बेटे ने मां की हत्या कर दी है। आपको बता दें कि कलयुगी बेटे ने पावड़े से मां के सिर पर वार किया है। मां की हत्या कर आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो दूधी कोतवाली क्षेत्र के कस्बे के वार्ड नंबर 9 की यह घटना है, जहां एक बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। आगे बढ़ेंगे, प्रतापगढ़ से खबर है, जहां रंजिश के चलते गांव में फायरिंग हुई है और आगजनी। फायरिंग के बाद आपको बता दें कि मारपीट से इलाके में दहशत फैल गई है। मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है और भारी पुलिस फोर्स के साथ आपको बता दें कि सीओ कहडोर भी मौके पर मौजूद है। तिवारीपुर का मामला है, जहां आगजनी की गई है और इस मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस बीच एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। कोडोर थाना क्षेत्र के तिवारीपुर गांव का मामला है, तस्वीरें इस बीच आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि रंजिश के चलते गांव में फायरिंग हुई है, आगजनी की गई है और इस बीच कई लोगों के गंभीर रूप से जख्मी होने की भी खबर है। लगेमपुरखीरी में तेज रफ्तार बस पेड़ से टकराकर पलट गई है। घने कोहरे के चलते यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। आपको बता दें कि बस सवार करीब 2 दर्जन यात्री घायल हुए हैं। घायलों को सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि निघासन कोतवाली इलाके का ये मामला है, जहां बस में सवार 2 दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों को सीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। तो कोहरे की वजह से ये बस पलटी है और जिसके बाद तकरीबन 2 दर्जन लोगों को घायल हुआ। खबर बिजनौर से है, जहां गैस सिलेंडर लीक होने से बेकरी में आग लगी है। आपको बता दें कि आग की चपेट में आने से बेकरी मालिक झुलस गया है। बेकरी में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। बीच बिजनौर के नूरपुर थाना इलाके का ये मामला है, जहां आग लगी है। तस्वीरें इस बीच आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करती नजर आ रही है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश इस बीच की जा रही है। तो तस्वीरें इस बीच लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें बिजनौर की हैं, जहां गैस सिलेंडर के लीकेज के बाद बेकरी में आग लगी है और बेकरी लगने के बाद मालिक झुलस गया है। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि दमकल की गाड़ियां मौके वारदात पर मौजूद हैं। और खबर इस बीच लखनऊ से है, जहां शिया वक्फ बोर्ड ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि पत्र लिखकर मदरसे की शिक्षा में बदलाव करने की मांग की गई है। कॉन्वेंट स्कूलों की तरह मदरसों की शिक्षा किए जाने की मांग की गई है। पत्र में लिखा है कि मदरसों की शिक्षा से बच्चे कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहे हैं, बच्चों को मुख्य धारा में नहीं आने दे रहे हैं मदरसे। तो मदरसों को खत्म करने सामान्य शिक्षा नीति बनाई जाने की जरूरत है। आपको बता दें कि कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर मदरसों में भी शिक्षा लागू किए जाने की मांग की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर ये तमाम बातें कही गई। तो यूपी में मदरसों पर जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कितने मदरसे हैं और फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। 16,827 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। हालांकि योगी सरकार आने के बाद से मदरसों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। कुल 560 मदरसों को सरकारी मदद मिलती है। इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी मदरसा शिक्षा परिषद से ये मान्यता मिलती है। यूपी में 2 तरह के मदरसे संचालित हैं। हिंदुस्तान में करीब 1 लाख से ज्यादा
मदरसे नीचे है, नीचे ना मदरसे चल रहे हैं, जिसमें ज्यादातर मदरसे अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं। और जो मदरसे मदरसे की जो पढ़ाई है वो इतनी निचली सतह की हो रही है, जिससे मुसलमान जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, उनमें बेरोजगारी पैदा हो रही है। ये मदरसे जो है वो बहुत बड़ी तादाद में बेरोजगारी को बेच रहे हैं। तो वेस्ट बंगाल में कई ऐसे मदरसे हैं जो पकड़े गए, जिसमें बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। 58 मदरसे, एक रिपोर्ट मौजूद है जिसमें कहा गया 58 मदरसे जिहादी ग्रुप से लिंक्ड है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आजकल की जो जरूरत है वो ये है कि जो कॉमन एजुकेशन है, जो आजकल की जरूरी तालीम है, वो बच्चों को मिलनी चाहिए। तो मदरसों पर महाभारत है और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी को पत्र लिखकर मांग की है कि देश भर के मदरसों को बंद किया जाए। ऐसे में देवबंदी उलेमा अतहर उस्मानी ने वसीम रिजवी को मानसिक तौर पर बीमार बताते हुए दिमाग के इलाज की सलाह दी है। उलेमा ने कहा है कि वसीम रिजवी को पता होना चाहिए कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे देश नहीं बल्कि दुनिया में अमन का पैगाम देते हैं। उलेमा ने भी कहा है कि वो इस तरह की बातें ना करें। उन्हें नसीहत देते हुए उलेमा ने दरअसल तमाम बातें की। उन्होंने कहा है कि जो मरने के बाद जनाजे की नमाज भी अदा करते हैं, वो बच्चे देश और अमन और चैन की सीख और सलाह दरअसल यहाँ से सीख। वसीम रिजवी साहब ने जो मदरसों को आतंकवादी अड्डा बताकर बंद करने के लिए प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है, पहली बात तो यह है कि उन्हें मदरसों के बारे में सही जानकारी नहीं। उन्हें पहले अपनी सोच बदलनी चाहिए और किसी अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज कराना चाहिए। जहाँ तक मदारिस की बात है, मदारिस शुरू से ले मुल्क आज़ाद होने से पहले से लेकर आज तक दीन की शिक्षा दे रहे हैं। आगे बढ़ने की बरेली में समाचार प्रस्तुति खबर का बड़ा असर हुआ है। नगरपालिका अध्यक्ष शहला ताहिर पर देशद्रोह का केस दर्ज हो गया है। शहला के पति पर आपको बता दें कि ये केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा 500 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज हुआ है। शहला के विजय जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों का वीडियो वायरल हुआ था। समाचार प्रस्तुति ने खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद आपको बता दें कि इस खबर का असर नजर आ रहा है। समाचार प्रस्तुति पर खबर दिखाने के बाद एक्शन में आई थी पुलिस। जांच के लिए ये वायरल वीडियो लखनऊ भेजा गया था। जांच में वीडियो सही पाए जाने के बाद देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है। बीजेपी और वीएसपी ने नवाबगंज थाने में तहरीर दी थी। आपको बता दें कि वीएसपी के चिन्ह पर नवाबगंज से चुनाव जीती थी शहला ताहिर। एफआईआर दर्ज होने के बाद शहला ताहिर की गिरफ्तारी के जो प्रयास है वो भी तेज हो चुके हैं। किया गया और बिना परमिशन के जुलूस किया गया, जिसमें कुछ लोगों द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का आरोप था। उसी के चलते कल नवाबगंज थाने पर यह मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें शैला ताहिर उनके पति को नामजद किया है और कुछ 500 अज्ञात लोगों का के खिलाफ इसमें एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में जैसे भी तथ्य सामने आएंगे जुलूस की परमिशन को लेकर और नारेबाजी को लेकर, तो उन तथ्यों के आधार पर उसमें विधिक अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।